इंटरनेट है आपके पास, 2 GB का डाटा डेली आता है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए और एक चैनल क्रिएट कीजिए और आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति, आप देख रहे हैं मिस्टर ज्योति चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना जो YouTube चैनल है वो क्यों क्रिएट करेंगे और उसका बेनिफिट्स क्या है। आपको मैं 5 बेनिफिट्स बताऊंगा और आपको मोटिवेट हो जाएगा, आप खुद एक YouTube चैनल क्रिएट करेंगे। तो आपको बस सुनना है और आपको इसके बाद तुरंत जाके कुछ भी सोचकर मतलब अपने क्रिएट चैनल को क्रिएट करना है। आप कौन कौन सा चैनल क्रिएट किए हो वो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए, तो जाके मैं देखूंगा आप किस किस तरह का वीडियो आप अपलोड करते हो। तो इस तरह से मैं अपना जो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है, अब जो YouTube का आप अगर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, कोई भी टॉपिक हो आप अगर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको क्या होगा कि जो अपना जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जैसे कि आपको अभी नहीं आता है कि DSLR में वीडियो शूट कैसे करते हैं, ठीक है, और कि फ़ोन में वीडियो शूट कैसे करते हैं और कि एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, माइक कैसे लगाते हैं, कौन सा माइक लगाकर आपको मतलब ऑडियो जो है क्लियर आता है, वो यूट्यूब पर कैसे अपलोड होता है, यूट्यूब पर टाइटल कैसे लिखा जाता है, यूट्यूब पर टैग्स कैसे लिखा जाता है, ये सब आपको धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ये आपको आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है बहुत सारा ये आपका आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे। अगर कुछ भी नहीं आता है तो YouTube में सर्च करके देख लेना कि ऐसा क्यों होता है, कैसे टैग्स लगाया जाता है, कैसे टाइटल लिख जाता है, कैसे थंबनेल बनाते हैं, ये सब आप देख देख के इंटरनेट में सर्च करके, गूगल जैसा मतलब गूगल तो है आपके पास, इंटरनेट है आपके पास, 2 GB का डाटा डेली आता है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए और एक चैनल क्रिएट कीजिए और आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप अगर इसी तरह का एक एक वीडियो एक दिन में अपलोड करोगे और मान लो कि एक वीक में आप 2 वीडियो भी अपलोड करते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो नॉलेज होगा वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, वो लर्निंग कर्व आपका ऐसे जाएगा, जे कर्व आ जाएगा आपका लर्निंग में। तो आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो। तो ये गया फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना इंक्रीज हो जाएगा आप यूट्यूब वीडियो बनाने के बाद, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। आप मतलब अभी अगर शाय फील करते हो, ग्रुप डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, कहीं पर जाके 10 आदमी को 100 आदमी को सुना नहीं पाते हो, कुछ बोल नहीं पाते हो उनके सामने, और इंटरव्यू में जाके कुछ भी ब्लैंक हो जाता है टोटल माइंड, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। यूट्यूब आप है ना, आपके पास यूट्यूब, उसके पास आप जाओ वो आपको सिखाते ही रहेगा। मतलब आप यूट्यूब को एक पर्सनल डेवलपमेंट टूल की तरह ही देखिए, एक ये चीज़ है जो आपको धीरे धीरे बहुत सारा ग्रोथ देगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको अगर बोलना बहुत सारा अच्छा से बोलना सीख गए हो यूट्यूब में बोल कर, तो आप उधर जाके इंटरव्यू में बहुत अच्छा से बोल सकते हो एटलीस्ट। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत सारा इंक्रीज हो जाएगा। आप पब्लिक स्पीकिंग में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे और कॉन्फ्रेंस आप अटेंड कर पाओगे और बहुत सारा आपका जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है आपका, आप अगर वेबसाइट डेवलपमेंट, क्या आप डेवलपमेंट का एक चैनल यूट्यूब चैनल बनाते हो, तो अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो एक बहुत अच्छा कंपनी में, तो आप उनको इंटरव्यू देने से पहले वो जो वीडियोज आपने बनाया है वो सब आप भेज सकते हो कि आप इस वीडियो को सर और मैडम देखिए, ये मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे बारे में जानने का तो मतलब उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि ये बंदा सही है हमारे लिए और उसको तुरंत हायर कर लेंगे। तो आप इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो यूट्यूब के सहारा लेके। ये आपका बहुत बड़ा बेनिफिट है। यूट्यूब डिजिटलाइज्ड हो गया है दुनिया, तो आप इसका फायदा भी उठा सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट है, यू विल फील गुड।
आप अगर बहुत सारे वीडियोस बना लिए, 50, 100, 200 वीडियो बना लिए, तो कोई ना कोई तो आपका सिटी में, कोई ना कोई तो आपके आसपास में, अगल बगल में तो देखा होगा आपको जो YouTube वीडियो बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारा लोग आपको पहचान जाएंगे और आपके साथ सेल्फी लेने जाएंगे, तो आपको उस टाइम अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे साथ, मैं क्या सेलिब्रिटी बन गया तो मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो ऐसा आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप और क्रिएट करेंगे वीडियोस और आप और फेमस हो जाएंगे। और फिफ्थ पॉइंट है मेरा, जो आपका इतना सारा लर्निंग होगा, डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट होगा, पब्लिक स्पीकिंग होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, उसके बाद आप जो पैसा भी इनकम करेंगे गूगल एडसेंस से, यूट्यूब जो मोनेटाइजेशन एनेबल करके आप पैसा भी क्रिएट कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं, उसके बाद पैसा कमा सकते हैं और आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो मतलब देखिए, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का कितना स्कोप है और कितना बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, तो आप अभी स्टार्ट कीजिए, वो इंतज़ार मत कीजिए। क्योंकि बोलते हैं ना, मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि आप अच्छा नहीं है किसी भी चीज़ पे, अच्छा नहीं है तो भी बनाओ वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी किसी चीज़ का अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ, कोई भी कुछ चीज़ में बोलता हूँ तो मेरा जो स्पीकिंग पावर है, कॉन्फिडेंस लेवल है, मैं उसको इंक्रीज करता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि जैसे यू शुड नॉट बी ग्रेट टू स्टार्ट, आपको बड़ा बनना जरूरत नहीं है स्टार्ट करने के लिए, यू नीड टू स्टार्ट टू ग्रेट, आपको शुरू करना चाहिए कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको कुछ सीखने का मिले हो। और आप कौन कौन सा YouTube चैनल क्रिएट करते हैं, आपका YouTube चैनल का नाम क्या रखा है, प्लीज़ मेंशन कीजिए मेरा YouTube चैनल, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग सोच रहे हैं आज तक कि YouTube वीडियो बनाएंगे, तो उनको शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार देके एक लाइक बटन दबा दीजिए और इससे उत्साह मिलती है और ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।